हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सेंट्रीपोल पंप है, तो मैं आज को आपको दिखाऊंगा इसकी सील कैसे चेंज करते हैं। ये इसका पत्थर है जो कि मैंने लगा दिया था, मैं दोबारा आपको लगा के दिखा रहा हूँ कैसे लगाना। ये ऐसे इसको दबा देना है, ये फिट हो जाएगा प्रॉपर विद रबड़ के साथ, और फिर इसको ऐसे ही बैठा देना है। उसके बाद आपके सराख मैच करा के इसको ऐसे सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद आपने सील लेनी है। और सील, ये देखो इसकी सील, ये सील है इसकी। इसमें थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लेना है, चाहे तेल लगा लो या इसको ग्रीस कर लो, थोड़ा सा ग्रीस लगा के इसको इसका अंदर से रख के और पुश कर देना है। फिर इसके बाद आप इसको एक बार मूव करा के देख लेना आगे पीछे हो रही है प्रॉपर। फिर ये स्पेसर देना है, स्पेसर वाशर। फिर इसके बाद ये इम्पेलर लेके इसको, एक की होगी इस शाफ्ट में, उसके साथ बैठा देना है। जैसे ये बैठ नहीं रहा है, ये दो थोड़ा सा इसकी शायद चाबी बाहर को आ गई है, थोड़ा सा ठोकेंगे इसको, ठोक दिया। अब इसको ऐसे बैठा देंगे जैसे कि ये बैठ गया। अभी इसका आगे नट लेंगे, इसका आगे ये मैंने वार्शल और नट ली और इसमें लगा दी। अभी ये लगाने के बाद हम इसको प्रॉपर टाइट करेंगे। इसको टाइट करने के बाद इसको पीछे से, अभी जैसे कि मैं चढ़ा रहा हूँ, सिर्फ हल्का सा टाइट कर रहा है। और उसके बाद अभी हम इसको प्रॉपर फुल टाइट कर देंगे, साफ पीछे से साफ भी पकड़ के, साफ पीछे से पकड़ के अभी अब इसको टाइट कर देंगे हम। ये इस प्लास से पकड़ लेंगे ऐसे, और अब इसको जोर लगा के फिट कर देंगे। ठीक है, अभी जोर लगा के टाइट हो गया ये प्रॉपर। अब ये चलने के लिए सील आपको चेंज हो गई। अब इसकी केसिंग लगानी है हमने, तो केसिंग लगाने से पहले एक ध्यान रखना आपने, जैसे सराख मैच करा के ये जो इसका रिंग है ना, अभी आपको दिखाता हूँ, इसका रिंग है ना, ओ रिंग बोलते हैं इसको, जिससे पानी केसिंग से पानी ना लीक हो, इस पर आपने थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना है। उससे पहले ग्रीस लगाने के बाद आप वो लूट को लगाएंगे, जैसे कि ये मैं ग्रीस लगा रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।